Assalamualaikum. We are keeping this class for projectile questions. इस पर हमने अभी recently एक test भी रखा हुआ है. वालेकुम अस्सलाम. A ball is fired horizontally with a speed of, इसका मैंने ईयर ऊपर लिखा है, आप लोग देखिएगा. अगर आपको ये पेपर फाइव की बुक में मिल जाए, जो आपका पेपर फाइव है उसकी बुक में देखिएगा, आपको ये सवाल मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा. रीड एंड राइट में, a ball is fired horizontally with a speed of 41 from a stationary cannon at the top of a hill. The ball lands on horizontal ground that is a vertical. That is a vertical distance of 57 meter below the cannon as shown. Show that, कहता है, assume that air resistance is negligible. Assume that the time taken for the ball to reach the ground after being fired is 3.4 second. ये जो इसने velocity दी हुई है, ये है vx. Vertical distance दिया हुआ 57. Vertical velocity शुरू में जीरो है. अगर ये सिर्फ नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा प्लस जी. ठीक है, अब आप इसका डेटा बना लो. डिस्टेंस जो है 57 है, ए जो है वो प्लस जी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, टाइम निकाल ले. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. चलो अब टी की ये वर्किंग. अच्छा, मैंने पूछा था आपको ये क्वेश्चन अगर रीड एंड राइट में मिल जाता है, जिन्होंने अभी तक रीड एंड राइट नहीं खरीदी वो जरूर खरीदो, टॉपिकल बुक में काम शुरू करो. और अभी अगर आप लोग मुझे बता सको कि ये क्वेश्चन अगर रीड एंड राइट में है तो उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर है. नहीं, मेरे ख्याल में उसके आखिर में लगे हुए हैं. जिन्होंने लेटेस्ट बुक्स लिए उनमें तो होगा अक्टूबर नवंबर, वरना आखिर में शायद हो. अच्छा चलो अभी तो कर लेते हैं. अगर आपके पास वरना रोक पेपर पे खोल लें, उन्हीं तो चाहिए. थ्री पॉइंट फोर सेकेंड. कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द कैनन एट द पॉइंट वेयर द बॉल लैंड्स ऑन द ग्राउंड. अब इसमें वो मशहूर कॉन्सेप्ट याद रखो कि प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं उनमें टाइम सेम होता है. ये आपसे ना ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला. अब उसने पहले हमसे खुद ही टाइम भी निकलवाया है, और ये अच्छी चीज होती है कि वो खुद ही स्टेप्स में लेके चलता है. जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, उसमें जो टाइम होता है वो सेम होता है. तो आप क्या लिखेंगे, एस एक्स
is equal to Vx into t. Velocity का horizontal component आपको दिया हुआ है वो सेम रहता है 41. ये सिंपल सा प्रोसीजर है, ये करके डिस्टेंस निकाल लो. इसको राउंड कर दो. डेटा जो हमें दिया हुआ है वो सारा 26 फिग है, तो ऐसा करो इसको कर लेता हूं 139, और 139 को वैसे तुम कर सकते हो 140. Determine the magnitude of the displacement of the ball from the cannon at the point where the ball lands on the ground. अब displacement का मसला ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो वो जाता है बिल्कुल सीधी लाइन में. तो अगर मैं यहां से लेकर चलूं तो देखो ये तुमसे ये पूछ रहा है. जो लोग ट्रिग्नोमेट्री में यानी मैथ्स में अच्छे हैं वो इसको फौरन समझ जाएंगे कि ये क्या मांग रहा है. एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और एक हाइपोटेन्यूज है. एक है 139.4, दूसरा है 57, और आपको निकालना है ये वाला डी. अब बताओ कौन से रूल से निकल सकता है, कौन सा रूल ऐसा है ओ लेवल मैथ्स का जो इसको निकाल सकता है. सही है, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. इसको अंडर रूट किया आपने मुमताज, ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इसको अंडर रूट करा है आपने 22,681. हाँ 150.6 इज राइट, लुकिंग राइट.
The ball leaves the cannon at time t is equal to zero. Sketch a graph to show the variation of the magnitude of the vertical component. खाली उसका है vertical component of the velocity of the ball with time t is equal to zero to 3.4. मुझे नहीं पता मंडे को कुछ मंडे को किस बात की छुट्टी होगी. अच्छा, इस सवाल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ जीरो और 3.4 दे रहा है, तो जो ऊपर आंसर हमने लाए थे, जो हमारा ऊपर वाला आंसर था शो वाला, वो उसी को वैल्यू को दोबारा रेफर कर रहा है. मतलब वो ये कहना चाहता है कि ये फुल जर्नी का बनाना है, तो मैं फुल जर्नी में बॉल बॉल जो है वो सिर्फ नीचे आई है, तो अब हमें बनाना है वर्टिकल वेलोसिटी. देखो वर्टिकल वेलोसिटी कैसे बदली होगी, जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखाना है. तो अगर मुझे ये ग्राफ जो है ना वेलोसिटी टाइम है, तो मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर अगर मुझे दिखाना है कि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो क्या मैं कर्व बनाऊं या स्ट्रेट लाइन? कर्व तो नहीं हो सकता ना. कर्व का मतलब तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट हो जाता है. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप उसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. क्वेश्चन तो ये मैंने ये क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसमें आपको जो जो वेलोसिटी है वो कैसी लाइन बनाएगी, स्ट्रेट लाइन या कर्व? तो मैं उसका जवाब था कि स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाना है. ऐसा स्केच बन जाएगा. द कैनन रिक्वायर्स हॉरिजॉन्टली ये वाला पार्ट मोमेंटम पर जा रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो पार्ट ई मोमेंटम पर लग रहा है. और ये जो लिखा होता है ना, देखो ये पढ़ो, नो एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है. इसका मतलब है कि एग्जामिनर आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे, तो अभी हमने किया नहीं, ये कर दो मुझे तुम लोग. ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है. वो कहते हैं एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है. अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. तो क्या मास, मैंने सॉल्व नहीं किया शायद सही हो, तो बताओ कि मास बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो छोटा छोटा मास रख दे, जो मैंने क्लास में कई मरतबा कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आप एक एलिफेंट को एक इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो दोनों पर ग्रेविटी सेम लगेगी. तो अगर एक फेदर और एक स्टोन बगैर एयर रेजिस्टेंस के गिरते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास की चेंज से फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है. वो इलेक्ट्रॉन का केस अलग है, उन पे जब कोई और फोर्स लगती है
तब ऐसा होता है। देखो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बना लो हमेशा के लिए कि ये हमारा परसेप्शन ऐसा है, जब कोई चीज गिरती है तो उस पर ग्रेविटी सेम रहती है। बड़े छोटे का इसमें मसले, बड़ा छोटा वैसे भी रिलेटिव है, अगर आप कभी गौर से सोचें तो कोई चीज ना बड़ी है ना छोटी है, ये चीजें रिलेटिव है। हमसे कोई चीज बड़ी हो तो माउंटेन हमसे बड़ा है तो हम कहेंगे कि माउंटेन रिलेटिवली बड़ा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम चीजें एक ही एक्सेलरेशन से गिरती हैं जब वो एयर रेजिस्टेंस नहीं होती। देखो ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये वाला क्वेश्चन मिलना चाहिए। अब रीड एंड राइट में ये वाला क्वेश्चन ढूंढ के दो। आपने बोला पेज नंबर 684। चलो द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बड़ा रेयर टॉपिक है और तुम्हें शायद पूरी जो रीड एंड राइट की बुक तुम्हारे पास है उसमें शायद एक या दो ही सवाल मिले, ये वाले डेरिवेशन वाले ना। आपको याद होगा मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन करवाई थी, डिराइव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड टी फॉर द एरिया अंडर द ग्राफ, ये बेसिकली उसका वो केस है। बिल्कुल ये वो डेरिवेशन है, ये आपसे कह रहा है कि ये जो एरिया है इसको लाओ, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये वही डेरिवेशन है ना जो कोर्स में करवाई थी। अब इसमें हाफ लिख लेता हूं और जो एरिया होता है वो तो डिस्टेंस होता है, तो एरिया डिस्टेंस हो जाएगा हाफ, हाइट की जगह टी आ जाएगा और एक यू है एक वी है तो यू प्लस वी आ जाएगा ऐसे। क्योंकि उसने बोला है इन टर्म्स ऑफ एरिया तो मैं इसको ना एस नहीं बनाता, जिस जैसे उसने बोला है वैसे करना चाहिए। तो ये एरिया है और हाफ ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वर्किंग शेयर कर लो।
बिल्कुल, जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो पढ़ो, द बॉल इज किक्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 एट एन एंगल ऑफ 60 टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। द बॉल देन स्ट्राइक्स अ वर्टिकल वॉल एट द इंस्टेंट व्हेन द पाथ ऑफ द बॉल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई थी तो लिहाजा वी वाई जीरो हो गया। इस पॉइंट पे सिर्फ वो बचेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी, शुरू में दोनों होंगी। कौन सा पार्ट? यही तो अभी तो पार्ट तो नहीं शुरू हुआ, तो बी पार्ट शुरू भी नहीं हुआ। कौन सा पार्ट का कह रही हूँ? हाँ तो बी तो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ डेटा बनाया। बी अगले पार्ट पे, अगले पेज पे कहीं होगा। बाय कंसीडरिंग द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू रीच द वॉल। अब देखो इन प्रोजेक्टाइल में ना कॉमन स्टाइल के क्वेश्चन आते हैं। अब ऊपर जा रहा है तो ए होगा माइनस जी। तुम्हारे पास वर्टिकल कंपोनेंट से शुरू कर लो, यानी तुम्हारे पास जो वी वाई है ये वाला, ये यू है और ये होगा वी साइन थीटा। वेलोसिटी 15 है और एंगल 60 है तो 15 साइन 60 कर दो, यू निकल आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, यू की वैल्यू निकाल लेना। ए होगा ऊपर जाते वक्त माइनस जी, आपको निकालना है टाइम, तो आपने टाइम को अननोन कर दिया। फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, ये लगा दो। टाइम की वैल्यू आ रही है 1.32 है, माइनस में कैसे आ सकती है? नहीं, ये टाइम माइनस में नहीं आ सकता, ये हो नंबर का मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन माइनस में कैसे आएगा? U की वैल्यू माइनस में कैसे आ सकती है? 15 साइन 60 इज प्लस। नहीं, ये कहां से आपकी, आप कैलकुलेटर रेडियन मोड में है या किसी और मोड में, कैसे हो सकता है? माइनस नहीं आ सकता, आप कैलकुलेटर का मोड चेक कर लो। 15 साइन 60 इज सिंपली अ पॉजिटिव नंबर।
by conceding ho gaya. Explain why the horizontal component of velocity of the ball remains constant. ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, नोट्स में आता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट रहता है. वो इसलिए कांस्टेंट रहता है क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं. तो आप लिख दो कि एज एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड As air resistance is ignored, horizontal component of velocity remains constant. Show that the ball strikes the wall with a horizontal velocity of 7.5. Horizontal velocity ka matlab hai ye. Formula kya hota hai? Vx is equal to V cos theta. Ye formula hai. To 15 cos 60 degree. Calculator mein dal do. अब ये जो मोमेंटम वाला पार्ट है, सी पार्ट, ये अभी नहीं कर रहा मैं क्योंकि ये मैंने अभी कराया नहीं. मोमेंटम तक हम पहुंच तो गए हैं लेकिन अभी हमने उसको प्रॉपर, बेटा वो तो याद कर लो ना कि ये जो एक्स कंपोनेंट होता है उसके साथ कॉस आता है, ये तो याद करना पड़ेंगे फॉर्मूलास, ये तो याद करने पड़ेंगे कि जो वाई कंपोनेंट होता है उसमें साइन आता है और एक्स कंपोनेंट में कॉस आता है. स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये मैंने लिखवाया था या वो अभी तो फिलहाल लंबा वाला लिख सकते हो कि वो जो फॉर्मूला है ना एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन वैसे पेपर में यही लिखना पड़ता है, दो लाइनें देता है ना, तो फोर्स इज डायरेक्टली, सॉरी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. A delivery company suggests using a remote controlled aircraft to drop a parcel into the garden of a customer. When the aircraft is vertically above the point P on the ground, it releases the parcel with a velocity that is horizontal and of magnitude 5.4. ये projectile का case है और highest point पे जो velocity का y component होता है जो इसका y कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है.
The parcel takes a time of 0.8 second after it release. मैंने क्वेश्चन मतलब सवाल ही पढ़ रहा हूँ बेटा, सवाल तो ये लिखा मैंने, ये सवाल पढ़ लो। सिर्फ मैंने इतना बोला है कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, बाकी तो उसने स्टोरी पूरी सवाल में लिखी हुई है, वो कोई कंपनी है। हाँ तो कोई मसला नहीं बेटा, कोई इशू नहीं। द पार्सल टेक्स अ टाइम ऑफ 0.81 सेकेंड आफ्टर इट रिलीज टू पॉइंट रीच पॉइंट क्यू ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। इनका फेवरेट कंडीशन आ गई, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल। चलो अब पार्ट वन पढ़ो। ऑन फिगर 2.1 ड्रॉ एन एरो फ्रॉम पॉइंट एक्स टू शो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्सल व्हेन इट इज एट दैट पॉइंट। जो एक्सेलरेशन है ना वो दो होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो होता है तो वो दिखाते नहीं है, ये ऐसे नीचे की तरफ होता है, और एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये कांस्टेंट है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द पार्सल अबव द ग्राउंड व्हेन इट इज रिलीज। ये आपसे हाइट मांग रहे। अब कई लोगों को होपफुली याद हो गया हो कि असल चीज डेटा होता है, U जीरो है। गलती कभी कभी ये हो जाती है, लोग इसको U समझते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, याद रखो कि ये कभी इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं जा सकती। सारी वैल्यूज इसमें प्लग इन करो और मुझे एस की वैल्यू निकाल दो। तो इनके एक आंसर सजेस्ट हो रहा है 3.218 है, तो 22 कर देता हूं। बाकी लोग भी बताओ फिर हम आगे चलें। मतलब डिफरेंस आ रहा है। चले बाकी लोग भी कंफर्म करें। अब एक और आंसर आ रहा है 5.56, तो या तो अब इनमें से कोई ये गलत होगा, वो आप लोग चेक करके मुझे बताइएगा। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। देखो टाइम रिमेन्स द सेम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का टाइम सेम होता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो लॉक हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। वी एक्स मेरे पास ऊपर वेलोसिटी दी हुई है, देखो ये दिया हुआ 5.4, तो मैं लेता हूं 5.4। अब टाइम पता नहीं क्या है, पॉइंट, हाँ 0.81 है।
क्वेश्चन तो वही है 4.374। मैंने इसका ईयर तो बताया था शुरू में, क्वेश्चन तो वही है। अच्छा आप, मैंने इसका ईयर लिखा नहीं। हाँ ये आप सही कह रहे हो बिल्कुल, जून 20 और 21 और उसका 2। आप लोग साथ देख लिया करो ना, ईयर नंबर यहाँ आता है ना। और दूसरा ये कर लो कि इसको देख लो कि ये उसमें कहाँ पर है। इसमें बहुत ज्यादा सिक फिग हैं तो इसको फिर आप 4.4 कर लीजिएगा। Another parcel is accidentally, अच्छा होना तो चाहिए कुछ। Another parcel is accidentally released from rest by a different aircraft when it is hovering at a great height above the ground. Air resistance is now, कह रहा अब हवा की resistance को consider करना। Draw arrows to show the direction of the forces acting on the parcel as it falls vertically downward. Label each arrow with the name of the force. वैसे तो आप इसको जब नीचे की तरफ दिखाएंगे तो वेट होगा, ऊपर की तरफ एक तो विस्कस ड्रैग होता है और एक होता है यू अप थ्रस्ट। नहीं टेंशन नहीं, बंधा हुआ नहीं ना, नीचे गिर रहा है तो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। अगला पार्ट टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में है जो ए लेवल के वन ऑफ द मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस में आता है। जब इसकी जब नीचे जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिजल्ट, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कम होगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। एक पॉइंट पे पहुंचकर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। उसको हम लोगों ने पढ़ा है कि वो कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये मशहूर कॉन्सेप्ट है, पेपरों में आप गिन नहीं सकते जितनी मरतबा टर्मिनल वेलोसिटी आया होगा। तो नीचे जाते वक्त जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, विस्कस ड्रैग बढ़ता है, अब थ्रस्ट और वेट कॉन्स्टेंट रहते हैं। जब कोई चीज नीचे जाती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, अब थ्रस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, वेट कांस्टेंट रहता है और विस्कस ड्रैग बढ़ता है। अब मैंने सब चीजें यहां शो कर दी हैं, आप इसको ऐसे रफली कॉपी करना चाहे तो कर ले, टाइम खत्म कर रहे हैं क्लास का भी, तो आप इसमें से जो चीज भी कॉपी करना चाहे कॉपी कर ले। ये सब चीजें नोट्स में हैं। जब आप मूव करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस को दूसरा नाम देते हैं विस्कस ड्रैग, अपथ्रस्ट वो फोर्स होती है जो किसी चीज में ऊपर की तरफ लगती है, जैसे आप पानी में कुछ चीज डालें तो पानी उसको अपवर्ड फोर्स लगाता है और ये कहलाती है अपथ्रस्ट। दोनों में फर्क है, एक रेजिस्टेंस है और अपथ्रस्ट का मतलब ही अप है, वो हमेशा ही अपवर्ड होता है। तो जब आप पानी में कुछ चीज फेंकते हैं तो पानी उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, हम उसको कहते हैं अपथ्रस्ट।
चलें फिर आज का काम यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।